जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए है दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों हम यहां पर ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक करेंगे और मैं आपको लाइव यहां पर सारी चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 8 जनवरी को दी गई थी, तो आगे क्या स्थिति हो रही है कि आपके एग्ज़ाम 8 जनवरी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए आगे बढ़ने से आपको पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर हमारी एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि शाम को 5 बजे होती हैं। डिटेल वाली क्लास है और आज होगी रिवर्स ऑफ एमपी पार्ट 2, आप इसको ज़रूर अटेंड करें। इसी के साथ इसी टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यूज़ भी होते हैं 6 बजे, वो भी आप अटेंड करें। और रीजनिंग की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप लोग सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अटेंड कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं, सब कुछ मैं आपको लाइव यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा। इंग्लिश में हम लोग एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अभी आपको सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिखेंगे, अभी जो लेटेस्ट का अपडेट में आपको एडमिट कार्ड दिखेंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के, जो कि दोबारा से एग्ज़ाम हो रहे हैं। और रीओपन ऑनलाइन फॉर्म आपको प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। और वेटनरी विभाग का भी ऑनलाइन चालान वगैरह दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। देखिए एग्ज़ाम शेड्यूल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2021 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपको यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर और बाकी परीक्षाएँ जो होंगी, देखिए यहाँ पर पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 और ये 8 जनवरी अभी भी डला हुआ है रिक्वायरमेंट टेस्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 8 जनवरी से आपके एग्ज़ाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं लेकर चलूँगा, उसके माध्यम से आपको और चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं 6 जनवरी से, तो क्या 8 जनवरी से वाकई में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। तो अभी मैं एक और प्रूफ आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसके द्वारा एक यहाँ पर पूरा नोटिस रिलीज़ किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि 4 तारीख को रिलीज़ किया गया था। इसमें देखिए आप लोगों के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 6 जनवरी से मतदान होना स्टार्ट होंगे, 6 जनवरी से ये 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। एक 6 जनवरी को होगा, फिर 28 को होगा, फिर 16 को होगा, फिर इसकी जनगणना वगैरह भी होगी, मतलब जनगणना नहीं सॉरी ये वोट की काउंटिंग होगी, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो ये प्रक्रिया एक अलग है, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और इसी समय आपकी आचार संहिता भी लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि आचार संहिता के समय एग्ज़ाम आपका कांस्टेबल का नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स हैं। और एक स्थिति ये बन सकती है कि हो सकता है कि कोरोना कि थर्ड वेव के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक बहाना लेकर इसको बना सकती है। लेकिन बाकी टेक्निकली अगर हम सारी चीज़ों की बात करें तो 8 जनवरी से आपके पेपर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तैयारी बिल्कुल सॉलिड रखें। और 20 तारीख के आसपास आपके 15 से 20 के बीच में है ना, आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कि सर चुनाव पंचायत के चुनाव हैं, इसकी वजह से क्या एग्ज़ाम टल जाएगा, तो ऐसा चांसेस बहुत कम है, ठीक है, इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।